हेलो भाई, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाई हमारे इंडियन नेशनल टीम की रैंकिंग 100 के नीचे आ चुकी है। कोच विभिन्न फर्नांडिस ने भाई कोरोय सिंह को कैप्टन रखा है फॉर द एएफसी अंडर 17। एंड जो तीसरा टॉपिक है जी हां दोस्तों, एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिल चुका है मोहन बगान के कोच को। तो आइए जानेंगे, कोशिश करेंगे और ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर बात करने के हम लोग ना ट्राई करेंगे। तो भाई पहला टॉपिक ये है इंडिया अंडर 17। जी दोस्तों, हम आप सभी को बताएं कि एएफसी अंडर 17 का जो ये एशिया कप चालू होने वाला है, थोड़े दिन में स्टार्ट होने वाला है और हमारा पहला मैच है 17 तारीख को। तो अगर आज ही देखो कि भाई आज प्लेयर्स को किट मिल रहा था, मतलब जो ऑरेंज जर्सी एंड येलो जर्सी, ये ऑरेंज जर्सी और ब्लू जर्सी है, तो दोनों किट्स मिल रहा था। एंड तभी अनाउंसमेंट हो गया भाई कि भाई कोच विभिन्न फर्नांडिस ने बोल दिया कि हमारा कैप्टन कोरोय सिंह रहेंगे फॉर द अपकमिंग एएफसी अंडर 17 चैंपियंस एशिया कप। और इसके पहले अगर आप देखोगे सैफ अंडर 17 में और एएफसी अंडर 17 के जो क्वालिफायर्स थे, तो वहां पर पेके मतलब गीते, तो ये प्लेयर हमारे कैप्टन थे। लेकिन अगर आप ये इसके बारे में बात करें, कोरोय सिंह के बारे में बात करें, ये जो फॉर्म खतरनाक फॉर्म में, अगर आप यूरोप में हमने 10 मैचेस खेले उसमें 3 गोल्स और 5 असिस्ट दिए, प्लस थाईलैंड में भी हमने 2 फ्रेंडली खेले उसमें 1 असिस्ट और 1 गोल मारा है। तो अगर आप देखोगे इसके फॉर्म का, तो भाई बहुत खतरनाक प्लेयर है। एंड लेट्स होप हमारी टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म कर सके। एंड कोच विभिन्न फर्नांडिस ने इतना काम किया है, इतने एक्सपोजर टूर किए, सो लेट्स होप भाई ये सब जितना भी हमने प्रैक्टिस वगैरह किया, प्रोसेस किया, ये सब इम्प्लीमेंट हो सके एंड हम लोग एएफसी अंडर 17 में ना कुछ मिराकल एकदम हमारा बेस्ट दे सके। ठीक है, तो बात करेंगे अभी दूसरा टॉपिक है जिया दोस्तों, मोहन बगान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज ही अनाउंस हो चुका है कि यूएन फर्नांडो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिए है मोहन बगान के साथ। अभी मुझे मेरे प्रॉब्लम्स का, ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बेसिकली, बट दो तीन चीजें हैं जो मेरे शिकायत है यूएन फर्नांडिस से। तो पहले बात तो देखो, आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है, इतना क्वालिटी है, इतनी अच्छी टीम है, सो जस्ट ट्राई टू प्ले अ गुड फुटबॉल। अगर आप देखोगे लास्ट सीजन के बारे में अगर आप देखोगे, कुछ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, वी हैड द क्वालिटी, बट क्या हो रहा था, अभी कंसिस्टेंट नहीं थे एंड एक अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकते लोगों को, मतलब मेरे को, मेरी बात करो ना, मुझे कोई का मैचेस बोर हो रहे थे भाई कि मतलब देखो यूएन फर्नांडो अच्छा कोच है, ठीक है, यंग कोच है, ओके अंडरस्टैंडेबल, बट भाई एक ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल जिससे लोगों को अट्रैक्ट हो सके, जिससे कि मुंबई सिटी हो गया, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो ये बार तो भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, जेसन कमिंग्स है, फिर थापा ये वगैरह बहुत लेके आ रहे हो, तो लेट्स होप, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, 2-3 चाहता हूँ, देखो एक तो कंसिस्टेंट रहे आपके परफॉर्मेंस के साथ, अच्छा टीम है उसका यूटिलाइज कीजिए। एंड बिकॉज ये सब ये बार आप देख सकते हो भाई, एएफसी कप रहेगा, आईएसएल, सुपर कप, दुरन कप, बहुत सारे टूर्नामेंट्स है, सो लेट्स होप। ऑब्वियसली इंडिया में मुझको नहीं चाहिए, बट आई जस्ट वॉन्ट ये जो एटीके मोहन बगान सुपर जायंट्स है वो एएफसी कप में अच्छा कर सके, बिकॉज वी हैड द टीम, ठीक है, वी हैव द टीम, बस वही है कि अच्छे से खेलना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रीजन, ठीक है, कंसिस्टेंट रीजन और एक गुड लेवल ऑफ एक गुड ब्रांड ऑफ फुटबॉल के लिए, ये मैं चाहता हूँ भाई। बाकी यार आप लोग मुझे बताए भाई मोहन बगान फैंस कैसा लग रहा है, अपना गैफर विल कंटिन्यू फॉर द 1 more year इन द मोहन बगान एंड द एरा, द यूएन फर्नांडो एरा कंटिन्यूस फॉर मोहन बगान, ठीक है। अब बात करेंगे जो तीसरा टॉपिक है, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल टीम की रैंकिंग 99 हो चुकी है आफ्टर बीटिंग वनवातू बाय 1-0, ऑब्वियसली भाई ऑल थैंक्स गोज टू सुनील छेत्री सर। तो आप सभी को बताया कि कल देखो हमारा मैच तो हो ही रहा था 7:30 बजे, बट उसके पहले 4:30 बजे मंगोलिया वर्सेस लेबनान का हुआ एंड वहां पर वो मैच ड्रॉ होता है, इसके वजह से लेबनान की रैंकिंग कम हो जाती है एंड हम लोग हमारा मैच जीतने से हम ऊपर चले जाते हैं। तो अभी रैंकिंग सबको पता रहेगा, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप लेबनान हो, हायर रैंक टीम है, आपकी रैंकिंग 99 है, मैं मंगोलिया हूँ 183, ठीक है, तो हमारा मैच हो रहा है एंड हमारा बीच में ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसका अंदर ये क्या है कि मैं एकदम हायर रैंक टीम के साथ खेल रहा हूँ, तो मैंने ड्रॉ किया तो मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप एक लोअर रैंक टीम के साथ खेल रहे हो तो आपको आपके जो भी पॉइंट्स है ना वो डिडक्ट होंगे, ज्यादा कम नहीं होंगे, बहुत ज्यादा डिडक्ट होंगे, तो दैट्स वाई ये हुआ, ठीक है, उन्होंने ड्रॉ किया एंड पॉइंट्स कम हो गया और हमने वनुता के साथ जो 163 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसे रैंक टीम थी, तो हमने जीता वो मैच, तो दो या तीन हमारे पॉइंट्स बढ़े, बढ़िया, तो इसका अंदर ये होता है कि नाउ वी आर 99 रैंक टीम। बट अभी यस, हम लोग सब खुश हैं, हम लोग पूरे इंडियन फैंस खुश हैं, बट इसका अंदर ये नहीं कि भाई है ना हो गया काम, अभी काम बाकी है, अभी असली काम बाकी है, बिकॉज हमें 2 मैचेस खेलने हैं अगेंस्ट लेबनान, अरे बहुत टफ मैचेस होंगे भाई, बहुत टफ टाइम मैचेस होंगे, सो लेट्स होप हमारी टीम इंडिया ये दोनों मैचेस में ए परफॉर्मेंस, अपना ए गेम दे सके एंड ना ये जो 99 रैंक टीम, ये जो 99 रैंक है हमारा, थोड़ा और ऊपर जा सके, सो दैट ना एकदम दिल खुश हो जाए और हम लोग एज ए इंडियन फुटबॉल फैंस एक दिल मतलब मुस्कुराहट आ सके, ठीक है। यस यार, इसी के साथ ये वीडियो एंड करेंगे, आई रियली होप आपको पसंद आएगा। आप लोग मुझे बताओ भाई आपको क्या थॉट्स है ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर भाई, इंडिया अंडर 17 के बारे में, मोहन बगान फैंस कैसे लग रहा है आपको एंड भाई ये रैंकिंग को देख के आप लोग कितना खुश है, तो प्लीज मुझे लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।